डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ, और चैप्टर सिक्स देख रहे हैं आप। चैप्टर फाइव तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर सिक्स में इंटेजर्स दिया हुआ है। तो इंटेजर्स, इसको हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। तो इंटेजर्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, तो मैं ज़्यादा कुछ भी इसके बारे में नहीं बतलाऊँगा, इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको दो लाइन में पूरा इंट्रोडक्शन बतलाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं, तो नंबर में आप लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, जो वन से काउंटिंग शुरू होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो जीरो से, उसमें जीरो ऐड हो जाता है तो उसको हॉल नंबर बोलते हैं। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर जीरो आ गया, फिर हॉल नंबर आ गया। तो नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो जाता है तो वो हॉल नंबर कहलाने लगता है, और उसके बाद एक नंबर होता है नेगेटिव नंबर। तो ये सारे जो नंबर है अभी तो डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन अगर इन सारे नंबर्स को लेते हैं तो वो कहलाता है इंटेजर्स। मतलब इंटेजर्स जो होता है उसका एरिया बड़ा हो गया, उसके अंदर ये सारे चीज़ आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सब आ गया। तो इस तरह से इंटेजर्स ये हो गया, इसी के बारे में पढ़ना है। तो इंटेजर्स में आपको प्लस और माइनस मिलता है, तो वैसे भी आप लोग बहुत पहले से जोड़ घटाव तो बनाते आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको जोड़ घटाव ही बनाना है। तो कई बार बच्चों को मैं बोलता हूँ, क्या तुम लोग जोड़ घटाव नहीं जानते हो? तुम लोग तो कहते हैं कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन इस चैप्टर में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है और सबको होने वाला है। जैसे कि फाइव क्लास में इंटेजर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप लोग आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे, इंटेजर्स कभी हटने वाला नहीं है, वो मिलता ही रहेगा। ये नंबर लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जीरो है, इसके इधर जो है पॉजिटिव इंटेजर्स और इसके इधर जो है नेगेटिव इंटेजर्स। तो इसी के बारे में हम लोग को पूरा चैप्टर जो है इसी से संबंधित पढ़ना है, और सेवन क्लास में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में ही इंटीजर्स मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यह है इस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपको पेपर में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस समय मैं जहाँ रहता हूँ, इतना ज़्यादा बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं चाह के भी आपको पेपर पर लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है आपको स्क्रीन पे बतला दूंगा, और किस तरह से इसे समझना है इसको मैं बतलाते जाऊँगा। तो फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका ऑपोजिट, मतलब आपको उल्टा लिख के बतलाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, वजन में बढ़ना, तो इंक्रीज का उल्टा हो गया डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, आपको स्क्रीन पर आंसर मिल रहा होगा। उसके बाद बी नंबर में 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाता। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी नंबर में 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट होगा, 80 मीटर वेस्ट आप लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर में लॉस ऑफ ₹700, तो लॉस का उल्टा क्या हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, हम लोग एक चैप्टर आता है उसको पढ़ते हैं, तो लॉस का उल्टा होगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। ई नंबर में 100 मीटर अबव सी लेवल, तो अबव का उल्टा हो गया बिलो, अबव मतलब ऊपर हो जाता है और बिलो मतलब नीचे हो जाता है, सी लेवल के ऊपर और हो जाएगा सी लेवल के नीचे, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद टू नंबर में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटेजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइंस, मतलब उपयुक्त साइन उस पर लगाना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स बतलाया गया है, ए नंबर बी नंबर में, तो उसमें अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त उचित साइन लगाना है प्लस या माइनस का, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर में प्लस माइनस ही मिलेगा। तो यहाँ पे ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, एक एरोप्लेन जो है वो ग्राउंड मतलब ज़मीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर बतला रहा है, तो ऊपर का मतलब हो गया पॉजिटिव प्लस, तो 2000 यहाँ पे दिया हुआ है 2000, तो प्लस 2000 इसको आंसर में लिखेंगे प्लस 2000। बी नंबर में ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, एक सबमरीन है जो सी लेवल से 800 मीटर नीचे तैर रही है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे डाउन हो गया, सी लेवल से नीचे चला गया, बिलो हो गया, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे -800, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में ए डिपॉजिट ऑफ ₹200,
तो रुपीज जो है डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट करने मतलब वहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे 200 प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस पहले लिखेंगे उसके बाद 200 प्लस 200, विड्रॉल ऑफ रुपीज 700। अब यहाँ पे विड्रॉल, विड्रॉल मतलब होता है रुपया निकालना, डिपॉजिट का उल्टा हो जाएगा विड्रॉल, तो यहाँ पे 700 माइनस 700 इसका आंसर हो जाएगा।